मैं हूं अभी गोरखपुर के ऑटो में और मैं जा रहा हूं वर्ल्ड फेमस गीता प्रेस पब्लिकेशन, गीता प्रेस गोरखपुर। तो वहां पे मैं जा रहा हूं, वहां पे मैं विजिट करूंगा। तो अभी मैं ऑटो में हूं और 100 रुपीज़ ले रहा है ऑटो वाला। ओके, तो अभी चाय पीने आ गए हम। बनमस्का भी है क्या? हाँ बनमस्का। हाँ ये हमारे ऑटो वाले भैया ने बोला गोरखपुर में यहाँ पे जो चाय है वो बहुत बढ़िया मिलता है और सच में बहुत अच्छा है, चाय बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा संजू कुमार। संजू कुमार, ओके। तो अभी वो हमें छोड़ रहे, मुझे छोड़ रहे गीता प्रेस। ओके, तो वहाँ से सनौली जाना है तो क्या? फिर रिटर्न आपको बस स्टैंड आना पड़ेगा। बस स्टैंड आना पड़ेगा और वहाँ से शेयरिंग में मिलेगा? शेयरिंग में मिलेगा आपको। कितना लगा मतलब? आपको 828 रुपीज़ लेगा सनौली की। 128 रुपीज़। हाँ 128 रुपीज़ शेयरिंग में जाना ना। शेयरिंग लगेगा 128 रुपीज़। 128 बाय द बस। दोस्तों, गीता प्रेस का जो दुनिया का सबसे बड़ा जो पब्लिशिंग हाउस है, ओके, तो वो गीता प्रेस गोरखपुर है। तो हिंदू टेक्स्ट जो पूरा धार्मिक जो ग्रंथ है वहाँ का उनका सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस ये गीता प्रेस है और गोरखपुर। तो यहाँ पे एक भैया है तो उनके साथ हम बातें करेंगे और पूछेंगे कि कितना प्रेस होता है पूरे साल में वगैरह प्रेसिंग, और ये कहाँ कहाँ जाता है, इंडिया में जाता है या इंडिया के बाहर भी जाता है, पूरा हम उनसे पूछेंगे अभी। नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगद उपाध्याय है। अंगद उपाध्याय जी। ओके जी, तो ये बहुत मतलब बड़े बड़े रामचरित्र मानस वगैरह सब हिंदू धर्म के ग्रंथ यहाँ पे मिलेंगे शायद? हाँ, सभी हिंदू मिलेंगे यहाँ पे। हाँ, भागवत, थोड़ा जोर से बात कर सकते हैं। भागवत है अपना, गीता है, रामायण है। हाँ, पुराण है और छोटी छोटी पुस्तकें तमाम है, बच्चों के लिए भी है। ओके ओके, पुराण भी है सब कुछ? नहीं, मतलब पुराण पुराण है, भविष्य पुराण वगैरह सब कुछ पुराण सभी है। ये पुराण है। हाँ, महाभारत का भी है, खंड भी। सब खंड मिलेंगे यहाँ पे। हाँ, सब खंड मिलेंगे। ओके, योग वशिष्ठ और यहाँ पे वेद भी मिलेंगे ना? नहीं नहीं, वेद अभी हमारे यहाँ प्रकाशन। अच्छा, नहीं है वेद? नहीं है अभी तक वेद प्रकाशन नहीं है। कल्याण में उल्लेख आया है वेदों का, कल्याण। हाँ, वेद कथांक नाम से। ओके ओके। हाँ ओके। अच्छा, उपनिषद भी है? उपनिषद है, सभी ग्रह उपनिषद है हमारे यहाँ। अरे वाह। और अच्छा, यहाँ पे कितने लैंग्वेजेस के मिलेंगे? लगभग लगभग 15-16 लैंग्वेज मिलेंगे। 15-16 लैंग्वेज मिलेंगे, इंग्लिश से लेकर यहाँ पे गुजराती दिख रहा है, गुजराती है, मराठी है, बंगला है, उड़िया है, असमिया है, नेपाली है, नेपाली भी है, तमिल है, कन्नड़ है। अरे वाह। और ये पूरा इंडिया में इधर से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता होगा ना? तो और जगह हमारी ब्रांच भी है। अच्छा, इंडिया में अलग अलग ब्रांच में अलग अलग ब्रांच है। हाँ, 12-13 ब्रांच हमारी है, वहाँ से भी होता है। ओके, तो यहाँ प्रिंटिंग कहाँ पे होता है? ये तो हाउस प्रिंटिंग तो यही होता है, मतलब सामने है क्या? हाँ, सामने। अच्छा अच्छा, जो है गोरखपुर में ही प्रिंटिंग होता है। हाँ, यस। बाकी सप्लाई हर जगह यहाँ से होता है। हर जगह होता है जी। बहुत बढ़िया। ये बहुत पुराना है ना ये, क्योंकि बहुत फेमस है ये गोरखपुर। 100 साल हो गया ना? 100 साल हो गया। अब इस साल जो है अप्रैल से हम लोग जो है शताब्दी मना रहे हैं। ओ हाँ, और एक साल यहाँ जो है लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। हाँ। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई है आपको। इस समय कथा चल रही है। ओके। हाँ, तो हर साल कोई गेस्ट वगैरह आता होगा? नहीं नहीं, हर साल नहीं, अब 100 साल। हाँ, 100 साल। हाँ, इसके उपलक्ष्य में जो है एक वर्ष तक हम लोग मनाएंगे। ओके ओके ओके। हाँ वाओ, बहुत सुंदर। ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन। हाँ हाँ हाँ, एक पूरा एक वर्ष पूरा सेलिब्रेट करेंगे आप जी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही मतलब खुशी महसूस हो रही है मुझे कि यहाँ पे सब धार्मिक ग्रंथ, बुक्स, पुस्तकें यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। कल्याण के पुनर्मुद्रित विशेषांक, उपनिषद, महाभारत, पुराण,
श्रीमद् भागवत महापुराण, वाव सब कुछ है यहाँ पे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे ग्रंथ है, कितने बड़े बड़े, ये देखिए, वाव। और ये श्रीमद् भगवद गीता, सबसे जो ओरिजिनल भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, पॉकेट वर्जन नहीं, पूरा फुल वर्जन। और अच्छा, यहाँ पे पॉकेट वर्जन भी अवेलेबल है अगर किसी को चाहिए तो। कितना सुंदर है, वाह। ये देखिए कितना छोटा सा पॉकेट वर्जन है, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर। अंकल जी ये कितने का है अंकल, छोटा वाला? 12 रुपये। तो इसमें ओवरऑल बहुत शॉर्टली बताया है ना सब कुछ? केवल संस्कृत है, केवल संस्कृत है, इसमें श्लोक है बस। ओके, देखिए ये श्लोक है यहाँ पे और अर्थ सहित श्लोक है यहाँ पे। ये देखिए कितना छोटा मस्त, ये पॉकेट में भी हमारे बैठ सकता है, बहुत सुंदर है। देखिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामायण गीता मुद्रालय। ओके, तो वहाँ पे पब्लिशिंग हाउस है, वहाँ पे प्रिंट होता है गीता पूरा, ये जो पूरा ग्रंथ है वो प्रिंट होता है। बहुत बड़ा शॉप है ये, बहुत बड़ा। ये देखिए ये है हनुमान चालीसा, ये 2 रुपये का है। और ये जो ये भी भगवद गीता है, ये भगवद गीता, ये है 12 रुपये का। और एक भगवद गीता है, वो है 1 रुपये का, केवल 1 रुपये। तो ये केवल केवल ये 1 रुपये का है भगवद गीता, इसमें पूरा भगवद गीता लिखा है, 1 रुपया। ये देखिए बिल्कुल अभी ये जो इसके ठीक सामने हैं, ये जो अभी हमने देखा गीता प्रेस गोरखपुर, अब ठीक सामने यहाँ पे मशीन वगैरह है जहाँ पे एक्चुअल प्रिंटिंग होती है। और आई होप कि हम मैनेजर से रिक्वेस्ट करेंगे कि दिखाने के लिए, उन्होंने अगर एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट, परमिशन दी तो मैं आपको दिखा पाऊँगा। देखिए यहाँ पे पूरा प्रिंट होता है, सब ग्रंथ यहाँ पे प्रिंट होते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ किस लिए रहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान साधन से कब तक पूर्णता होगी। गीता प्रेस। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ के जो मेन मैनेजर है उनके साथ बात की, तो उन्होंने हमें कहा कि एक यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे जाइए आप। और यहाँ पे 200 साल पुरानी जो हाथ से लिखी हुई जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। ये देखिए ये मंदिर है, यहाँ पे मैं आया हूँ। और यहाँ पे मैं पहली आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए गीता प्रेस की प्रथम छपाई मशीन। ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता स्वर्ण अक्षर में लिपिबद्ध, ये देखिए। बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे पेंटिंग्स है, चित्र है यहाँ पे। ये देखिए लिखा हुआ है, तो अगर बाबू इस हाल की ही विशेषता है। हाँ। इस हाल के अंदर जो कुछ आप देखिए टोटल हाथ में पेंटिंग है, उनको 4 धाम में बांट दीजिए। ओके, इधर आपका रामलीला हो जाएगा, रामलीला, इधर हो जाएगा कृष्ण लीला। हाँ, ऊपर देखेंगे शिव शक्तियाँ दर्शाई गई। ओके जी, ओके, ऊपर देखेंगे उधर भगवान का अवतार दर्शाए गए हैं।
तो बीच में जो मशीन लगाई वही आपका सर वहाँ चलते ठीक पड़ता है, वहाँ वही आपका सर प्रथम स्टार्टिंग प्रेस मशीन होगा। और उसी जगह से मारवा को जो लिखा गया गीता उसी जगह स्टार्टिंग किया गया है, वहाँ से सर पर पैसे पर पूरे थाल का वहाँ समाप्त पूरा कर दिया गया था। थाल गए स्वास्थ्य से शुरू है, जो काउंटर में लिखा गया है उसमें थाल गए स्वास्थ्य से गीता जो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में होगा। उसके बगल में जो लिखे निहंदर जो है ब्रह्मा अध्याय लिखे अंग्रेजी और संस्कृत में, तो 27/11/1933 में लिखा, यही विशेषता है। इसमें कुछ फिगर आपको 90 साल पुरानी पेंटिंग मिलेंगे, कुछ पेंटिंग 200 साल पुरानी पेंटिंग मिलेंगे, कुछ 300 वर्ष पुरानी मिलेंगे, कुछ 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग, इस हाल की यही विशेषता है। अरे वाह, इनकी विशेषता ये होता है आपको भगवान ज़्यादा धन दौलत दे दें तो ज़्यादा पैसे का धंधा मत करें, छोटे पूजी धंधा करें। जब गीता पे लगाया गया तो इतनी छोटी मशीन से कारोबार चालू किया गया, तो पूछते कि इतने छोटी मशीन से होगा क्या, तो सेठ जी यही बोले कि भैया इनकी अगर भगवान की कृपा होगा तो इससे बहुत बड़ा सा काम बन सकता है, उनकी कृपा नहीं होती इतना ही करना। मान लिया ज़्यादा धन दौड़े लगाए धंधा करिए हैं, धंधा नहीं चले तो कल सड़क पर आ जाएंगे। छोटा पूजे धंधा करें अगर चल गया तो बहुत बड़ा इंसान बन सकते हैं, नहीं चले तो लड़ाई कर लेंगे, इस उद्देश्य से लगाए। यही मशीन का जो गीता पे पूरे बढ़ेंगे, इस मशीन से पूरा स्टार्ट हुआ है, पूरा पूरा प्रोडक्शन है और पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गया आज पूरा गीता प्रेस गोरखपुर का। ये गीता भाई 1800 से शुरू की इनका विशेषता ये होता है कि जो हाथ से लिखा गया हम लोग आँख से नहीं देख पा रहे हैं तो अगला लिखा कैसे होगा है। इनका विशेषता ये होता है कि जो लाइन होगा एकदम सीरियल नंबर से होगा, इतने भी चैप्टर में आप कहीं कट नहीं देखेंगे, यही विशेषता है। और सज्जन पर नाम भी नहीं दे, गुप्त दान दिए। आज इंसान कोई छोटा सा काम करता पहले कहता हमारा नाम लिख दीजिए, हमारा प्रचार कर दीजिए, हमारा ये कर दीजिए, ये सज्जन अपना नाम नहीं दिए। उनको आप देखेंगे आपका ब्रह्मा अध्याय अंग्रेजी और संस्कृत में हंदर दुबे लिखे हैं, ये 27/11/1933 को लिखे थे। इनको आप देखेंगे ये स्वर्ण स्याही से बनाया गया, स्वर्ण अक्षर से जो दर्शाया गया समझ रहे हैं ना, सोने का स्याही बना के लिखा गया। गीता का मेन निचोड़ यही होता है कि आप देखेंगे पहला अक्षर ध बनेगा और लास्ट में म बनेगा, दोनों अक्षर ज्वाइंट करके बनेगा धर्म, धर्म का ही विजय, यही गीता का निचोड़ है। थोड़ा आगे बढ़ें, ये बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, सब बुरा मत समझिएगा, इसमें जो आप लोग उपस्थित हुए आए हुए हैं ये समझिए भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। जब भगवान की कृपा होता है तो इंसान बड़ा सा काम आसानी से कर लेता है, अगर उनकी कृपा न हो तो इंसान अपने आँख पर गिराना मुश्किल है। इसमें जो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए आए हुए समझे भगवान की कृपा हमारे ऊपर। जब महाभारत चालू हुआ तो अर्जुन किस्मान बोले दोनों साथियों के बीच में रथ ले चलिए, किस्मान लेकर पहुँचते तो अर्जुन देखते पता इस समय हमारे सभी संबंधी में किस पर बाण छोड़ू, किस्मान कहते हैं अर्जुन करने वाला मैं हूँ, माध्यम जो आप कर्म दोष को दिया था, हर इंसान को अपना कर्म करने में देने वाला उसे जो आपसे वार्ता चले इस सब पर कृपा भी। वो जो भैया है वो यहाँ पे ही काम करते हैं और इन्होंने इतना दिल को छूने वाली चीज़ें कही है यहाँ पे। ओके, तो ये है लीला चित्र मंदिर, देखिए तो दोस्तों एक गीता प्रेस का मैं पूरा टूर यहाँ पे एंड कर रहा हूँ और सच में दिस इज़ द मस्ट विजिटिंग प्लेस, आई एम रियली रिकमेंडिंग यू टू कम हियर टू विजिट दिस स्पिरिचुअल प्लेस, दिस इज़ रियली स्पिरिचुअल प्लेस गीता प्रेस। इतना मतलब दीवार पे यहाँ पे गीता लिखी है और 400 साल पुरानी यहाँ पे जो लिपि है वहाँ पे यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे मैं वीडियो समअप करता हूँ, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। चलिए, हमारा नीचे ऑटो वाला वो नीचे इंतज़ार कर रहा है, वो भी मेरे साथ में है, वो नीचे इंतज़ार कर रहा है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं, हमें सनौली जाना है अभी। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय बाय फ्रॉम गीता प्रेस गोरखपुर, गॉड ब्लेस यू, बाय।